हे फ्रेंड्स, वेलकम। मैं देवांशी, आज आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका टास्क है वो बिना आईडी बनाए भी हो जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्यों करते हैं तो उनकी आईडी बाहर आ जाती है या उनका क्यों नहीं हो पाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि क्यों नहीं हो रहा है, तो इस पर मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं थी। बट आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए ये सॉल्यूशन ले आती हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने स्टार मेकर लाइट में। ओके, तो स्टार मेकर लाइट आपका या स्टार मेकर जो भी है आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो अपडेट करने के बाद आपका जो वर्जन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा जो वर्जन है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, अबाउट स्टार मेकर में जा कर के यहाँ देखिए 8.4.1, ये देखिए वर्जन 8.4.1 है। और स्टार मेकर का न्यू वर्जन क्या है ये मैंने चेक नहीं किया, तो आप लोग चाहे तो स्टार मेकर का भी न्यू वर्जन कर सकते हैं। तो आपको वो अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर पे जा कर के। एंड अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको स्टार मेकर लाइट या स्टार मेकर जिसको भी आपको क्लोन बनाना हो आप उसको जाएंगे अपने क्लोन ऐप में। तो यहाँ पे हम अपने क्लोन ऐप में जाते हैं एंड क्लोन ऐप में जाने के बाद हम उसका क्लोन कर लेते हैं। तो जैसे कि मुझे स्टार मेकर लाइट का क्लोन करना है तो मैं यहाँ पे क्लोन में जा कर के स्टार मेकर लाइट को और यहाँ पे बज में रख देती हूँ 1। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमें आईडी का पता चल जाता है कि हमने कब कौन सी आईडी बनाई है। तो हम बज रख देते हैं। आप नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आइकन भी चेंज कर सकते हैं, इसका अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना चाहते हैं तो। बाकी आपको सिंपल सा करना है तो आप यहाँ पे जो आपका ओएस है अगर 2.7.2 क्रैश कर रहा है तो आप 2.7.1 कर लीजिएगा। बट अभी मेरे में 1.7.2 चलने लग गया है तो मैं यही रहने दूंगी। एंड जो हमारी डिवाइस प्राइवेसी है आपको यहाँ पे ओपन है न्यू क्लिक आइडेंटिटी करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे रैंडम करके यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। ओके, टर्न ऑन करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ पे पर्सनल प्राइवेसी में। तो अगर आपके फ़ोन में इतनी सी ही सेटिंग में वर्क कर रहा है क्लोन, आप में डिवाइस प्राइवेसी और ये सेटिंग में ही अगर वर्क कर रहा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन लोगों में डिवाइस प्राइवेसी और ये करने के बावजूद भी क्लोन ओपन नहीं हो रहा है या क्रैश हो रहा है तब आप वो ये सेटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये वर्चुअल एसएमएस और वर्चुअल कॉलम और ये वर्चुअल शेड्यूल इन्फॉर्मेशन ये आप ओपन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको क्लोन बना लेना है। तो हम यहाँ पे क्लोन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अलाउ कर दिए यूजिंग द ऐप, वाइल यूजिंग द ऐप करके इसको ओपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे या तो वेट कर लेना है काफ़ी टाइम तक या फिर ऐसे करके इसको हटा देना है। तो हम इसको हटा देते हैं एक बार। हटाने के बाद अब हम फिर से जाते हैं और जो क्लोन बनाए हुए हैं 1 इसको अब ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो सेकेंड टाइम खुलने में तुरंत खुल जाता है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है। तो आप इसे सीधे हटा सकते हैं। एंड यहाँ पे लैंग्वेज आपको जो भी रखना है रख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसको कट करके यहाँ होम पे जाना है, यहाँ पे होम में। और होम में जाने के बाद यहाँ सर्च में डालना है आपको जिस भी रूम का आपको टास्क करना है वो नंबर। वैसे तो आपको सबको पता चल गया होगा कि कैसे करना है, फिर भी बहुत लोगों में जो इशू है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने रूम का नंबर डाल देती हूँ एंड यहाँ पे जाती हूँ और एंटर कर जाती हूँ। तो जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे क्यू में जाएंगे, क्यू में जाते ही हमारी आईडी
बहुत लोगों की आईडी बाहर आ जा रही है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे आया है, तो यहाँ पे आपको कोई गाना डाल देना है, तो हम यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सॉन्ग डाल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट सॉन्ग डाल दिया, एंड शॉर्ट में यहाँ पे मेरे हाथ में यही ऊपर है, इसी को कर देते हैं। एंड इसको करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्यू कर देते हैं, तो हमारा क्यू स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट सिंगिंग कर देते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट सिंकिंग करते हैं, हमारी जो आईडी है वो बाहर आ जाती है। ओके, तो आपको लगता है कि जो आपकी आईडी है वो क्यू करते ही बाहर आ गई और आपका जो वो है वो कट हो गया गाना, बट आप देखेंगे कि आपका जो गाना है वो अंदर बज रहा होता है और यहाँ पे शो कर रहा होता है, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लोगों में यहाँ पे शो करता है कि मतलब कौन कौन लोग गाना गा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बहुत लोगों में शो करता है, कल मेरे में भी कर रहा था, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा है। तो हमें लगभग 1 मिनट तक वहाँ पे यहाँ पे बैठ के वेट करना है। ओके, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं, एंड 1 मिनट बाद हम फिर से रूम में एंटर करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा जो EXP है वो बढ़ा है या नहीं। ओके, तो हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मे बी 1 मिनट हो गया होगा, बट अभी हमने ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है प्लेयर टुगेदर। ठीक है, प्लेयर टुगेदर मैंने आपको बताया था यहाँ पे शो करने लगता है, तो अगर आप में ये शो करने लगे तो इसका मतलब है कि आप जो है रूम में एंटर हैं और आपका गाना क्यों चल रहा है। आप गाना यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है अभी फ़िलहाल, अदरवाइज़ काफ़ी कभी कभी आपको गाना भी यहीं पे सुनाई देता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका क्यू है वो कट हो गया है या आप रूम से बाहर आ गए हैं। अभी हम रूम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा क्यू है वो कट होगा एंड वहाँ पे जो EXP है वो हमारी बढ़ चुकी होगी। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ प्लेट टुगेदर से भी जा कर के रूम में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया है 43, यानी कि 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। तो हम इस तरह से एंटर किए और अपना EXP देखते हैं कि क्या हमारा EXP बढ़ा है, तो अभी हमारा EXP नहीं बढ़ा, मे बी 1 मिनट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे हर एक अलग अलग आईडी बनानी है, तो मैं चाहूँ तो एक बार फिर से क्यू कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो वो है 1 मिनट नहीं हो पाया था, तो 1 मिनट करके EXP देख लेते हैं। तो अभी हमारा 0 EXP है और यहाँ पे मैं 1 मिनट आपका वेस्ट नहीं करूँगी, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दूँगी, 1 मिनट होते ही आपको EXP दिखा दूँगी। तो मैं फिर से वही करती हूँ और वही गाना यहाँ पे 1 मिनट के लिए लगा देती हूँ। तो यहाँ पे यही गाना था, गाना को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे और हमारी आईडी आ गई है बाहर और यहाँ पे हमें प्ले टुगेदर दिखने लग गया है। जब भी आपको प्ले टुगेदर दिखेगा इसका मतलब है कि आपका क्यू अंदर चल रहा है, अगर ये शो नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपका क्यू में कुछ प्रॉब्लम है या रुक गया है, तो आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ, 1 मिनट बाद जाके देखती हूँ कि क्या हमारा क्यू बढ़ा है क्यू से EXP या नहीं। तो इस तरह से हम दोबारा जब हम एंटर करते हैं रूम पे, तो एंटर करते ही हमारा जो क्यू है वो यहाँ पे दिखा रहा होता है कि क्यू हमारा चल रहा है, बट वो कट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम EXP फिर चेक कर लेते हैं, तो जो हमारा EXP है वो यहाँ पे 50 शो करने लग गया है। तो कुछ इस तरह से आपका क्यू आपको शो नहीं करेगा, आप रूम के बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप जब 1 या 1.5 मिनट बाद अंदर आएंगे तो आपका जो EXP है वो बढ़ चुका होगा। तो जिन लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिनको लगता है कि उनका क्यू कट गया है, तो उनका क्यू कटा नहीं है, कुछ फोन्स में इशू आ रही है जो रूम में एंटर नहीं रहते, बाहर से क्यू हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हो वीडियो आपको समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।